हे गाइस दिस इज़ अ मोनू यू आर वाचिंग नौकरी पोर्टल सो आज आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसमें रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जिसका ऑनलाइन जो है एक, एक ग्यारह दो हज़ार बाईस से तीस ग्यारह दो हज़ार बाईस तक है इसका लास्ट डेट और इसका एडमिट कार्ड जो जारी होगा पंद्रह बारह दो हज़ार बाईस तक इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम जो डेट है वो दो एक दो हज़ार तेईस से तीन एक दो हज़ार तेईस के बीच में होगा इसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट कैटेगरी के लिए है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का है आप लोग देख सकते हैं जिसका पचास हज़ार से एक लाख साठ हज़ार सैलरी है इसका सीट नंबर ऑफ वैकेंसी सोलह है यू का सात ई डब्ल्यू एस तीन है ओ बी सी दो है एस सी चार है ओम छः है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन बी टेक होना चाहिए बी ई या बी सिविल इंजीनियर और ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी के लिए साठ परसेंट और एस सी एस टी के लिए पचास परसेंट इक्कीस से अट्ठाईस ईयर्स आयु रहेगा इसमें और इसका पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल उसी तरह यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का है उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का जिसमें सी ए होना चाहिए चार्टर अकाउंटेंट कोई भी इंस्टीट्यूट से परसेंटेज इसमें नहीं रखा है को मिनिमम नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इज रिक्वायर्ड इक्कीस से अट्ठाईस ईयर्स अब आइए नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इसमें जो है जूनियर इंजीनियर का तैंतीस हज़ार से सड़सठ हज़ार तीन सौ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है जूनियर इंजीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का है जिसका पच्चीस हज़ार से इक्यावन हज़ार सैलरी से है बीकॉम कॉम होना चाहिए थ्री ईयर से साठ परसेंट मार्क्स ओ बी सी ई डब्ल्यू एस और, और जनरल के लिए एस टी और एस सी के लिए होना चाहिए पचास परसेंट इक्कीस से अट्ठाईस वर्ष आयु होना चाहिए फिर ऑफिस एच आर एफिस असिस्टेंट एच आर ए पच्चीस हजार से इक्यावन हज़ार इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए थ्री इयर्स का साठ परसेंट मिनिमम मार्क्स होना चाहिए इक्कीस से अट्ठाईस वर्ष होना चाहिए आयु और उसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का तो सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न बेस पे होगा इसका फर्स्ट पेज में जो कि एग्जीक्यूटिव के लिए है मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर उसके लिए है देखिए रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन फिर है नंबर टू असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का जिसमें है रिटर्न टेस्ट फॉलो बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए फोर जूनियर इंजीनियर जिसका है रिटर्न टेस्ट फॉलो बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन थ्री इयर्स का मीन से ए थ्री कैटेगरी पहले रिटर्न होगा फिर मेडिकल होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स uh, उसके बाद मेडिकल होगा अकाउंट्स पोस्ट के लिए जो है आप लोग देख सकते हैं अकाउंट्स के लिए जो है uh, इसमें भी रिटर्न बाय फॉलोड होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिटर्न टेस्ट बाय फॉलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन या अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट के लिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे जो है इसका जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे मेडिकल और हाँ ये रिटर्न टेस्ट का जो सिलेबस है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज जस द नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस लॉजिकल एबिलिटी क्वान्टिटी एप्टीट्यूड लॉन्ग नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये सब होगा और इसमें आप लोग का ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका जो टोटल क्वेश्चन होगा वह एक सौ चालीस होगा और निगेटिव मार्क जो होगा एक बाय थ्री मिनट से तीन गलत होने पे एक कट जाएगा पेपर जो ड्यूरेशन टाइम होगा टू आवर्स का होगा एग्ज़ाम विल बी कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एस मोड इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये है गौतम बुद्ध नगर नोएडा ग्रेट नो गाजियाबाद अलीग्रह, और मुरादाबाद मथुरा मुजफ्फरनगर ये सब ओनली ये यूपी में ही होगा यूपी से बाहर आप लोग को नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर और आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कैंडिडेट मस्ट एडमिट कार्ड ऑन पासपोर्ट साइज फोटो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड ये आप लोग को लेके जाना होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग सी बी टी उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा नॉन स्कूटी पोस्ट को नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंडिकेट बिलो द थ्रो डिमांड ड्राफ्ट मीन आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा स्क्यूटी पोस्ट के लिए उसमें चौरानवे हज़ार चार सौ लगेगा उसके बाद यहाँ पे जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल जेई एस एंड टी अकाउंट्स असिस्टेंट और ऑफिस एच आर आई इसके पैंतीस हज़ार चार सौ लगेगा ट्रेनिंग कॉस्ट ठीक है ये जो रिफंड ये आप लोग को रिफंड नहीं किया जाएगा उसके बाद फिर आप लोग जो है कॉस्ट ट्रेनिंग कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज द अंडर उसके बाद आप लोग को एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया कि तीन लाख का आप लोग का बाउंड पेपर बनाया जाएगा थ्री इयर्स का मैं उस बीच में आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं थ्री मंथ पीरियड्स प्रियर नोटिस फॉर लीव सैलरी लीव टू शॉर्ट्स नोटिस पीरियड विल बी रिक्वायर्ड बिफोर सींग रेजिटेशन फ्रॉम द कॉरपोरेशन हाइवर मैनेजमेंट रिजर्व तो ये ये एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए डेढ़ लाख का बॉन्ड पेपर बनाया जाएगा थ्री इयर्स के लिए उस बीच में आप लोग नहीं छोड़ के जा सकते हैं ठीक है और उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम मीन्स जो भी इसका अप्लीकेशन फ़ी है ऑनलाइन का वो आप लोग को बता देते हैं अप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं यू आर ई डब्ल्यू एस ओ रिक्वायर टू पे नॉन डिफेंडेबल फी पाँच सौ नब्बे रुपए और इनक्लूसिव फॉर जी एस टी अटार्ट परसेंट और एस सी एस टी के लिए दो सौ छत्तीस रुपये ये ऑनलाइन फॉर्म है हाउ टू अप्लाई अप्लाई इस पर जाके आप लोग कर सकते हैं यूपी मेट्रो रेल डॉट कॉम यहाँ पर जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, पे बताया गया कि डिमांड ड्राफ्ट चेक मनी ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर पे ऑर्डर बैंक चेक पोस्टल स्टाम्प एडीसी विल बी नॉट बी एक्सेप्ट आर्ट्स अप्लीकेशन फी इनसे ये ऑनलाइन आप लोग को पेमेंट करना होगा तो आप लोग जाइए इसको अच्छे से ऑनलाइन कीजिए अभी तो ऑनलाइन चालू नहीं हुआ है और इसको और अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा तो नहीं है कि मैं सब इसका जो मैक्सिमम रिक्वायर था जो जो आप लोग को बताना था वो मैं पूरा पढ़ के आप लोग को बता दिया यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि द एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट विल नॉट बी सेंट पोस्ट फॉर ईमेल इट विल बी ओनली डाउनलोड कैंडेड फ्रॉम द यू यू पी एम आर सी वेबसाइट मीन कोई भी मेल पर मैसेज नहीं जाएगा आप लोग उसके वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं चेक करते रहना होगा ठीक है मेरे चैनल पे जो नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और टेलीग्राम और फेसबुक पेज से आप लोग अवश्य जुड़ें तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद और लाइक करना भी ना भूलें कोई भी वीडियो को लाइक अवश्य करें